नहीं है, छोटी सी गड्डी में पैसे चले जाते हैं। उसका जो डायरेक्ट होता है नॉन ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन कभी ट्रेसेबल नहीं होते हैं। कैश ट्रांजैक्शन नॉन ट्रेसेबल हो जाते हैं। दूसरी तरफ से टैक्स इवेजन से ब्लैक मनी ही, और वो दोनों में से ब्लैक मनी तैयार होता है, टैक्स इवेजन और नॉन ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन। नॉन ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन करप्शन को प्रमोट करते हैं। ब्लैक मनी और करप्शन इज इक्वल टू पैरेलल इकोनॉमी। दूसरी तरफ से लार्ज डिनोमिनेशन नोट की वजह से लेस यूज ऑफ बैंकिंग सिस्टम, हम बैंक में जाते ही नहीं है, अपना पैसा तैयार ही नहीं करते। एक तरफ तो शरीर में खून तैयार नहीं होता, और जो होता है वो पूरा पोल्यूटेड होता है, काले पैसे की इसमें से वो पूरा खराब होता है। इसका डायरेक्ट जो होता है लेस यूज ऑफ बैंकिंग सिस्टम, पुअर क्रेडिट और कैपिटल फॉर्मेशन। हमारे देश में पैसा बोरियों में पड़ा है लेकिन कैपिटल नहीं है, भंडवल नहीं है, दिखाने के लिए सफेद है ही नहीं। इनएडिक्वेट कैपिटल सप्लाई टू इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन। बाबा जी हर इसमें बोलते हैं कि हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, वो होती नहीं है। जीडीपी कम डाउन होने की वजह से सरकार को जो टैक्सेस मिलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, वैट हो, एक्साइज हो, वो कम मिलते हैं। यह विशेष सर्कल पूरा होता है। इनएडिक्वेट टैक्स और करप्शन, सरकार के पास ताकत भी नहीं है और करप्शन से यह देश लिपटा है, यह दोनों में से पुअर गवर्नेंस होता है। हमारे देश की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पुअर गवर्नेंस की है, करप्शन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पुअर गवर्नेंस और करप्शन से पूरी देश की सोसाइटी इनसिक्योरिटी फील कर रही है, आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम सब लोग। यह हमें लगता है ऐसा हो रहा है। पूरे टैक्स निकाल देने चाहिए, 50 के ऊपर की नोट निकल देनी चाहिए, एक ही जगह टैक्स लगना चाहिए ट्रांजैक्शन पे। अभी कोई कंप्लायंस करना, किसी को टैक्स भरना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है, नो कंप्लायंस, नो ऑडिट्स। आपके अकाउंट पे आया हुआ पैसा टैक्स भर के आया होगा, करेंसी में आप कर दो कितना भी ट्रांजैक्शन, आपके लिए टैक्स लगेगा नहीं, रिस्क आपकी रहेगी। ये जो है ये आपका सामने यही 5 पॉइंट का प्रपोजल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन है। बाकी का जो है वो हमारी इंटरप्रिटेशन है, वो उसके ऊपर तो आप बहुत बहस कर सकते हैं। जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो सॉल्यूशन जो रख रहे हैं, हमारा इंटरप्रिटेशन हमने पहले बताया कि एक दवाई कैसी होती है, तो हमारा डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, वो डायग्नोसिस गलत हो सकता है, लेकिन ये बात है मेडिसिन की बात है, ये आपके सामने रखेंगे, ये पॉइंट आपके सामने हर बार रहेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये मेडिसिन लेने के बाद क्या परिणाम हो सकते हैं मैं आपसे ये करूंगा। हमने सिर्फ 4 इंजेक्शन अभी बात की है, वो 4 इंजेक्शन है बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स, एक ही टैक्स रहेगा, 50 के ऊपर की नोट चली जाएगी, 2000 के ऊपर का लीगल प्रोटेक्शन चला जाएगा, और लास्ट का इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का पूरा काला पैसा एक बार बैंक में जमा हो जाएगा, उसके ऊपर 2% कट जाएगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। VDIS अभी तक 4 बार आ गई है, ये लास्ट बार। आपके पास 10,000 करोड़ है, आपका नाम कुछ भी है, लाके डालिए, आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ नोट असली है या जाली है ये देख लिया जाएगा। एक बार ये फिल्टर जरूरी है, आपका पैसा भी ट्रेसेबल होगा। एक बार VDIS, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि अभी ये लास्ट बार, लास्ट टाइम आई थी, कि हर बार अगर आप ऐसा करेंगे तो ईमानदार आदमी को क्या मिलेगा, ये लास्ट करेक्शन है। ना इसके बाद टैक्स रहेगा, ना VDIS की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद टैक्स ही नहीं रहेगा। ये 4 का इंजेक्शन का आप सिर्फ परिणाम देखिए क्या होता है, आपके सामने सीधी बात आएगी। हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन नॉट प्रैक्टिकल, 50 के करोड़ की नोट में आप बोरियों में तो पैसा ले नहीं जा सकेंगे, उसको तो पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं है, कोई भी आपको लेके उड़ लूट जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन नॉट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नहीं होंगे, इसका मतलब जो होगा इंक्रीज इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे। अगर कैश ट्रांजैक्शन प्रैक्टिकल नहीं है तो आप बैंक ट्रांजैक्शन बढ़ सकते हो, उसके सिवा क्या हो सकता है, और उस जगह आपको बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। इसका मतलब होगा टैक्स रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, सरकार को ह्यूज टैक्सेशन आएगा। एडिक्वेट रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, सरकार यानी वो टंकी भरेगी, कितना आएगा, जैसे बाबा जी ने बताया था, आज RTGS जिसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑनलाइन पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, रोज 2.5 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन RTGS में होते, ये RBI साइट पे फिगर है।
उसके ऊपर अगर 2% टैक्स लग गए तो रोज के 5,000 करोड़, 2.5 लाख के 2% 5,000 करोड़ रोज का टैक्स। रोज अगर 2.5 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन है उसमें 2% का टैक्स लगेगा, 5,000 करोड़ रोज का ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया कलेक्ट, मल्टीप्लाई बाय 300 डेज, 65 दिन बैंक की छुट्टी, 15 लाख करोड़ रुपया। आज हमारे देश में टोटल टैक्सेशन लोकल बॉडी स्टेट और सेंट्रल का सब मिलकर 12.5 लाख करोड़ रुपया है। 15 लाख करोड़ रुपए में आरटीजीएस की आज बात कर रहा हूं सिर्फ। आप ये करेंसी ट्रांजैक्शन आप तो जानते ही है कि हमारे बैंक ट्रांजैक्शन से कितने गुना ज्यादा है। करेंसी कॉम्प्रेस होगी तो कितनी बड़ी मात्रा में बैंक ट्रांजैक्शन चलेगी, 2% नहीं वो 0.5% हमारे लिए बहुत बड़ी टैक्स होगी। टैक्स कलेक्शन इज सिंप्लीफाइड अपॉर्चुनिटी फॉर करप्शन एलिमिनेटेड, ब्लैक मनी एलिमिनेटेड। आपको टैक्स ही भरना नहीं तो काला पैसा बनेगा ही नहीं, स्टैंप ड्यूटी नहीं, कुछ भी टैक्स नहीं है। सेकेंड, फेक करेंसी एलिमिनेटेड, 39 रुपए में 50 रुपए छपवाना पड़ेगा नहीं किसी को। ये दोनों का अल्टीमेट होगा, ब्लैक मनी भी नहीं और फेक मनी भी नहीं है, एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एलिमेंट्स इफेक्टिवली चेक्ड। करप्शन पे भी चेक आएगा क्योंकि आपके पास व्हीकल ही नहीं होगा नहीं। पार्ट ऑफ बीटीटी गोज़ टू बैंक एंड इंक्रीज इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन पे बैंक को कमीशन मिलेगा और बैंकिंग के ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे। इसका डायरेक्ट रिजल्ट जो आएगा, नेट बैंकिंग रेवेन्यू इंक्रीज्ड, बैंक को इंटरेस्ट की जगह और एक पैरेलल रेवेन्यू सोर्स आएगा, इससे बैंकिंग रेवेन्यू बढ़ेगा। उसका डायरेक्ट इफेक्ट है ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। हमारे पास रिक्वायरमेंट बहुत है, पोटेंशियल है, परचेसिंग पावर मिलेगी, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट अगर 4% 5% से हमें सबके लिए पैसा मिलने लगेगा, किसानों को, एजुकेशन को, व्हीकल को, हाउसिंग को, चीप एंड इजी कैपिटल, पैसा आसान भी होगा और सस्ता भी होगा। इसका डायरेक्ट इफेक्ट है परचेसिंग पावर ऑफ अ सोसाइटी एज अ होल इंक्रीज्ड। यही होता है, सिर्फ यही होता है इकोनॉमिक्स में। आज अमेरिका में जो डर है इंटरेस्ट रेट बढ़ने के डर है और सोसाइटी की परचेसिंग पावर डाउन जाएगी, यही डर है। मार्केट डिमांड बूस्टेड, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, जरूरतें है तो मार्केट की डिमांड बढ़ेगी, उसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडस्ट्री ट्रेड सप्लाई स्टिमुलेटेड, रोजगार बढ़ेगा, कारखाने चलेंगे, बिजनेस चलेंगे, पैसा है, बढ़ोतरी। कमोडिटीज एंड सर्विसेज आर फ्रीड फ्रॉम टैक्स इन्फ्लुएंस, प्राइसेस ड्रॉप। आज हम सबको मालूम है हर चीज के ऊपर कम से कम 30% या 35% टैक्सेस होते हैं। हर चीज के ऊपर एक्साइज होती है, हर चीज के ऊपर वैट होता है, हर चीज के ऊपर टैक्सेस होते हैं, लोकल बॉडी के टैक्सेस। हमें मालूम है कि पेट्रोल की कीमत कितनी है मार्केट में, उसके ऊपर टैक्सेस कितने हैं। 65 रुपए की कीमत जो है पेट्रोल की, उसकी रियल प्राइस जो है वो 27 रुपया कुछ पैसा है, ऊपर के सब टैक्सेस है। हर चीज के ऊपर टैक्सेस होते हैं, वो कम से कम 35% तक उसका कंपाउंडिंग होता है। सब टैक्स चले जाने से प्राइसेस विल ड्रॉप और वहां से इंटरेस्ट रेट कम होने से चीप एंड इजी कैपिटल, उससे भी प्राइसेस कम आएगी, महंगाई बहुत नीचे जाएगी, परचेसिंग पावर इंक्रीजेस, मार्केट डिमांड बूस्टेड, फोकस शिफ्टेड टू इनोवेशन फ्रॉम मैनिपुलेशन। हम काली पैसे की जगह हम सफेद पैसे की बात करेंगे, क्वालिटी की बात करेंगे, इंप्रूवमेंट की बात होगी। ये पैसा छुपाना कहां, फिर वो स्विस बैंक में रखना कैसे, फिर उसको वापस कैसे लेना, फिर वो मॉरिशस रूट कैसे करना, कोई जरूरत नहीं रहेगी, पैसा यहां घूमेगा, यहां होगा। इंडस्ट्री ट्रेड सप्लाई स्टिमुलेटेड, ब्लैक मनी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाइट मनी सप्लाई रेगुलेटेड, बड़ी नोट भी नहीं है तो एक बार सब कुछ लाके डालो, वीडीआईएस। आपको कोई पूछेगा नहीं 28,000 कहां से आए, 28,000 करोड़ ये इकोनॉमी में आ जाएंगे तो लोगों को सस्ते इसमें कर्जा मिलेगा और नीचे तक वो परकोलेट होगा। आपका पैसा तिजोरी में जो पड़ा है वो किसी के काम का नहीं है, नीचे आना चाहिए उसको। टैक्स रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, एडिक्वेट रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। ये तीन जो है, एंटी सोशल एंटी नेशनल एलिमेंट इफेक्टिवली चेक्ड, इंडस्ट्री ट्रेड सप्लाई स्टिमुलेटेड और एडिक्वेट रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, इसके डायरेक्ट इफेक्ट सोशल सिक्योरिटी रिस्टोर्ड। एंटी नेशनल और एंटी सोशल एलिमेंट को अगर चेक हो गया तो सोशल सिक्योरिटी आएगी। दूसरी तरफ से गवर्नमेंट डेट चेक, फिस्कल डेफिसिट रिकवर्ड। हर लोकल बॉडी से लेकर स्टेट्स गवर्नमेंट और सेंट्रल बॉडी को हर ट्रांजैक्शन पे टैक्स मिलते रहेगा, जितना सरकार खर्चा करेगी वहां से टैक्स मिलता ही रहेगा। सरकार को सिर्फ खर्चा करने का यही रोल रहेगा। अभी रेवेन्यू तो ऑटोमेटिक हो गया, एम्पावर्ड गवर्नमेंट, वो टंकी भर जाएगी,
लीकेज निकल गया और हर सर्कुलेशन में से पैसा आ गया। एम्पावर्ड गवर्नमेंट, जो हमारे यहां था वीक गवर्नमेंट, ये पहले इसमें एम्पावर्ड गवर्नमेंट यहां आएगा। दूसरी बार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा, पैसा गांव गांव तो घूमने लगेगा, तो वहां के पैसे, वहां के रोजगार बढ़ेंगे। ये नक्सलाइट मूवमेंट को एक चेकआउट हो जाएगा, देश में आबादी और शांति आने के चांसेस है। सोशल सिक्योरिटी रिकॉर्ड, एप्रोप्रिएट सब्सिडीज, सरकार के पास पैसा आएगा तो सोशल हेल्थ, सोशल एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार पैसा लगाएगी। आज प्राइवेट नहीं लगाएंगे, आज सोशल हॉस्पिटल में क्या कंडीशन है, सोशल एजुकेशन के क्या हाल, सरकार के पास पैसे नहीं है। प्राइवेट तो परवड़ेगी नहीं, जिसको परवड़ेगी वो सिर्फ ऊपर जा रहे हैं। सरकार के पास पैसा आएगा तो गरीब लोगों तक वो पहुंचेगा। ग्लोबली कॉम्पिटेंट एग्रो सेगमेंट, बजटरी प्रोविजन फॉर पॉलिटिकल सिस्टम, सरकार के पास पैसा आएगा तो पहले इलेक्शन के लिए और पॉलिटिक्स के लिए सफेद पैसा देना पड़ेगा, काले पैसे से हमें उनको तोड़ना पड़ेगा, इससे काला पैसा चले जाएगा। और बजटरी प्रोविजन फॉर पॉलिटिकल सिस्टम, ब्लैक मनी एलिमिनेटेड और बजटरी प्रोविजन फॉर पॉलिटिकल सिस्टम, क्लींस्ड पॉलिटिकल सिस्टम। हम ये चाहते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। हमारी राजकारण शुद्ध होनी चाहिए, काला पैसा चले जाएगा और सफेद पैसे पे वो चलेगा। क्लींस्ड पॉलिटिकल सिस्टम, एम्पावर्ड गवर्नमेंट एंड क्लींस्ड पॉलिटिकल, ये दो सिर्फ इफेक्टिव गवर्नेंस दे सकते हैं। जो पुअर गवर्नेंस हमने बात की थी, अब इफेक्टिव गवर्नेंस तक आ गए। दैट्स द एंड, एम्पावर्ड इंडिया व्हाट वी ड्रीम।